A tangent to the parabola y square is equal to 8x makes an angle of 45 degree with the straight line y is equal to 3x plus 5. Then points of contact are. तो सी हमें क्या है किसकी टेंजेंट ऑफ पैराबोला है जो क्या बोलते हैं y is equal to 3x से 45 डिग्री का एंगल बनाती है. तो स्लोप ऑफ y is equal to 3x क्या है m is equal to 3. अब दो लाइनों के बीच में एंगल अगर tan theta होता है तो tan theta की वैल्यू क्या आती है tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 या m1 और m2 क्या होते हैं दो लाइंस के स्लोप होते हैं. तो हमें एक लाइन का स्लोप 3 गिवन है दूसरी का हमें डिटरमाइन करना है. tan थीटा की वैल्यू क्या है tan 45 डिग्री इट मींस 1. तो 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m. तो अब क्या करेंगे एक बार प्लस से ओपन करेंगे एक बार माइनस से ओपन करेंगे. तो प्लस से ओपन करने पे इक्वेशन क्या जाएगी y1 इज इक्वल टू 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m और दूसरी बार क्या जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m. अब अगर प्लस 1 से ओपन करेंगे तो इक्वेशन क्या जाएगी 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 3 माइनस m. यहां से क्या जाएगा माइनस 1 माइनस 3m इज इक्वल टू 3 माइनस m. तो यहां से m की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 2 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 और यहां से m की वैल्यू क्या आएगी m की वैल्यू यहां से आएगी माइनस 2. तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आएंगी एक आई m इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड दूसरी आई m इज इक्वल टू माइनस 2. अब हमें बताना क्या है सी अ टेंजेंट टू द पैराबोला. तो अब ये क्या होना चाहिए टेंजेंट भी होना चाहिए. तो अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की कोई सी भी टेंजेंट हो लेट्स से y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की टेंजेंट का स्लोप क्या होता है y डैश. तो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2y y डैश इज इक्वल टू क्या होगा 8 के इक्वल होगा. तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या होगी y डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन y. ठीक है तो एक बार हम क्या करेंगे इसे 1 बाय 2 के इक्वल करेंगे और एक बार माइनस 2 के इक्वल. तो इफ 4 अपॉन y इज इक्वल टू 2 2 ये नहीं सॉरी 1 बाय 2 है तो 4 अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाय 2. तो यहां से y की वैल्यू क्या जाती है y इज इक्वल टू 8. अब y इज इक्वल टू 8 है और पैराबोला की इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो x की वैल्यू भी क्या जाएगी x इज इक्वल टू 8. एक पॉइंट रहता है 8.8. अब दूसरे क्या कंडीशन हो सकती है जब 4 बाय वाई की वैल्यू क्या जाए यहां से हम बोल सकते हैं m की वैल्यू माइनस 2 होगी इट मींस 4 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहां से y की वैल्यू क्या जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2 और अगर y की वैल्यू माइनस 2 होगी तो हम क्या बोल सकते हैं y की वैल्यू माइनस 2 आप पुट करेंगे तो जाएगा 4 बाय 8. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय 8 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2. तो हमारे जो दो पॉइंट्स आ गए क्या बोलते हैं वो क्या क्या है एक तो आ गया था 8.8 दूसरा आ गया 1 बाय 2 कमा माइनस 2. तो 8.8 एंड 1 बाय 2 कमा माइनस 2. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 1 बाय 2 कमा माइनस 2 एंड 8.8.